News 18, India. और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हेमंत सोरेन और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप की रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरा दिन है आज उनका ईडी की कस्टडी में, और आज ही हेमंत सोरेन और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार भानु प्रताप को आमने सामने बिठाया जाएगा। ईडी सवाल जवाब करेगी और उसके बाद सवाल जो पूछे जाएंगे, जो जवाब होंगे, उन्हें क्रॉस चेक भी किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन फिलहाल 5 दिन की ईडी की रिमांड पर है। ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन का दूसरा दिन है। रिमांड के दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी। ईडी की टीम जमीन से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ करने वाली है। देखिए, शनिवार को जब हेमंत सोरेन से बड़गाई जमीन घोटाला मामले में पूछताछ की गई, तो हेमंत सोरेन का जवाब ये आया सामने कि उन्हें इस सवालों के जवाब नहीं पता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कई बार तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अब ईडी की टीम बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मी को भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और वहां पर आमने सामने बिठाकर दोनों से इस जमीन से जुड़े घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। और उधर ईडी ने अपनी याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने आदेशों की अनदेखी की और बिना सहमति के बाद वो गवर्नर हाउस चले गए। ईडी की याचिका में हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से बरामद किए गए 36,34,000 रुपयों का भी जिक्र किया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी थी। और उधर कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले आज शाम ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची लौट सकते हैं। विधायकों के टूट के डर से गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था। सभी विधायक हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे, जो आज शाम तक रांची पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना है। अपना बहुमत साबित करेगी चंपई सोरेन सरकार। अब आपको झारखंड विधानसभा का सियासी गणित भी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं कि कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा क्या है और मैजिकल फिगर क्या रहेगा। सबसे पहले समझिए, जेएमएम जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी थी, 29 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 17 हैं। अब जरा बहुमत का आंकड़ा 41 हो जाता है, क्योंकि कुल सीटें 81 हैं। आधे से ज्यादा अगर करेंगे तो बहुमत का आंकड़ा 81 हो जाएगा, और कांग्रेस के पास 17, सीपीआईएमएल के पास 1, बीजेपी के पास 26, यानी कि जेएमएम गठबंधन की अगर बात करें तो कुल 48 है, जबकि एनडीए के पास कुल सीटें हो जाती हैं 32।